देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण समस्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी क्लब का स्थापना हुआ है सूर्योद्यान के नाम से। जब हमारे क्लब की स्थापना हुई थी वह 1874 ईस्वी में हुआ और हम लोग का जो सूर्योद्यान पूजा बंगाली अखाड़ा का जो पूजा का शुरुआत है वह 1893 से। और यहाँ पर जो इस मंडप में या इस इलाके में हम लोग का जो पूजा शुरू हुआ ये हम लोग का 1895 से शुरू हुआ। आज हम लोग 121वां वर्ष यहाँ पर पालन करने जा रहे हैं। थोड़ा पूजा विधि के बारे में बताइएगा किस तरह से अलग है। हम लोग का बंगाली का पूजा जो है बंगाली बंगाली अखाड़ा में वो बहुत दिन से ही अलग है। जैसे हम लोग का पूजा का जो विधि विधान हम लोग का थर्सडी रोज जो है बोधन किया जाता है, उसके बाद माँ को आमंत्रण किया जाता है, गंगा जी को आमंत्रण किया जाता है। सर्दी रोज हम लोग केला बहू जो होता है गणेश जी का जो है उसको नहलाने ले जाते हैं, उसका नवपत्रिका का प्रवेश होता है समझे ना, उसके बाद उनका जो है वहाँ पर पूजा होता है, उसका चंडी पाठ किया जाता है। डेली यहाँ चंडी पाठ होती है, डेली चंडी पाठ जो पूरा ही है दसवीं तक जो है चंडी पाठ का व्यवस्था किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर जो हम लोग खिचड़ी भोग जो प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आपका जो है सप्तमी और आठवीं को खिचड़ी का प्रसाद दिया जाता है और नौवीं को जो है भोग पुलाव रहता है, भोग प्रसाद पुलाव पनीर उसका दो तरह तीन तरह का सब्जी। और माँ को जो भोग प्रसाद चढ़ती है जैसे सप्तमी को 7 तरह का व्यंजन रहेगा, आठवीं को 8 तरह का व्यंजन रहेगा, नौवीं को 9 तरह का व्यंजन रहेगा, माने जो भी सब्जी बनेगा वो तिथि के अनुसार बनती है। और दसवीं को जो है दही चूड़ा का आदि रहता है, उसके बाद दसवीं यहाँ कलश विसर्जन होगी। यहाँ पर आईना जो आप देख रहे हैं मिरर यहाँ रखा हुआ है, उसमें माँ का चेहरा उस मिरर में ही पड़ेगी। और उसके बाद जब विसर्जन जब यहाँ हो जाएगा उसके बाद सिंदूर का खेल होता है, हम लोग के लेडीज़ लोग का जो है सिंदूर का खेला होता है, उसका डांस होता है, जो भी माने हम लोग इसको पूरा उत्सव के रूप में मनाते हैं। माँ हम लोग के बीच में जो विराजमान रहते हैं उसको हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। एक्चुअली हम लोग का ट्रेडिशन यही है ना, हम लोग बंगाल से ही जुड़े हुए हैं तो हम लोग यहाँ भी उसी को आज भी हम लोग जो पूजा करते हैं वो हम लोग का जो बंगाली ट्रेडिशन है उसी को हम लोग ये करके चल रहे हैं। हम लोग किसी दूसरे परंपरा को नहीं किए, हम लोग का जो अपना ट्रेडिशन है विधि विधान है उसी हिसाब से हम लोग पूजा करते हैं और मिनट मिनट का पालन करते हुए हम लोग पूजा करते हैं। जैसे आज महाअष्टमी थी, 11 बजे हम लोगों की कुमारी पूजा हुई, फिर राम जब असुर के साथ जो वध का ही किया था उसके समय जो हुआ था वो संधि पूजा यहाँ पर भी आज होगी, वो है आपका 5:45 का समय रहता, 45 से 47 मिनट उसी बीच में ही होगी। और उसमें पूरा धुआं से भर दिया जाता है कि माँ का जो एग्रेसिव रूप होता है उसको लाया जाता है। जो आप लोग का ये धूप जलाने का जो नियम है वो थोड़ा अलग होता है, उसमें क्या कुछ आप लोग जलाते हैं? वो हम लोग नारियल का छिलका उसका धुना लाते हैं, उसका मुगल देते हैं, ये सब दे के जो है ये होता है। रोज रात में आपका 7:30-8 बजे से धुनुची का नाच होता है, 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक चलते हैं। मेरे जितने भी मेंबर हैं करीब के सब कोई नाचते हैं, लेडीज़ हो जेंट्स हो सब कोई मुँह में इन्हें चारों तरफ लेके नाचते हैं। उस धुनुचे देखिए सब बड़ा बड़ा जो मिट्टी का धुनचे है ना इसमें पूरा ही भर के उसके बाद नाचते हैं। बंगाली अखाड़े का इतिहास एक अनोखा इतिहास है, इसलिए इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में हुई थी, आज से कितने वर्ष पहले। उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था, उनका अत्याचार भी चल रहा था, तो कुछ पटना के कुछ प्रतिष्ठित बंगालियों ने ये सोचा कि
ऐसा क्लब होना चाहिए जिसमें कसरत कुश्ती किया जाए। और उस समय स्वदेशी लोग भी यहाँ पर कसरत कुश्ती करते थे, इस बंगाली इससे अंग्रेज लोग बीच बीच में छापा भी मारते थे। इसलिए तब उस समय के कर्णधार विनोद बाबू ने सोचा कि दुर्गा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज लोग धार्मिक मान्यताओं पर हस्तक्षेप नहीं करते थे। इसलिए सन 1893 में सबसे पहले बंगाली अखाड़े में दुर्गा पूजा हुई थी। परंतु उस समय दुर्गा पूजा मंडप का ये स्थिति नहीं थी, उसमें केवल मिट्टी का घर था, मिट्टी का बरामदा था।